एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा हमें। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से खबर है, जहां पर माइक्रोबायोलॉजी लैब विवाद से जुड़ी यह खबर है। देर रात तक वार्ता चलती रही, लेकिन रिजल्ट सिफर रहा, बेनतीजा रही है वार्ता। लैब टेक्नीशियन ने आज पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। कोविड-19 जांच पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। जयपुर में चिकित्सकों और लैब टेक्नीशियन के बीच में विवाद हुआ था, हालांकि बातचीत की कोशिश की गई लेकिन सब बेकार रहा। सरकार ने आदेश जारी कर एक लैब टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया था और वहीं से यह विवाद शुरू हुआ था। तो लैब टेक्नीशियन ने आज पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है और इससे कोविड-19 जांच पर असर पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, माइक्रोबायोलॉजी लैब विवाद से जुड़ी हुई, बातचीत बेनतीजा रही। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विकास। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है कि बातचीत अगर बेनतीजा रहती है तो आगे कितना बड़ा असर हो सकता है? देखिए बिल्कुल सुषमा, कल देर शाम को विवाद हुआ था और फर्स्ट इंडिया से पहले खबर को चलाया भी था। उसके बाद दो दौर की वार्ताएं हुई, देर रात को भी वार्ता हुई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लैब टेक्नीशियंस हैं उनमें जबरदस्त रोष है। रोष इस बात को लेकर के है कि जो मारपीट की घटना हुई है, इसमें दोनों ही पक्ष आपस में एक दूसरे मारपीट की घटना का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ऑनली मात्र लैब टेक्नीशियन पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते पूरे प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस है उनमें आक्रोश है। कल देर रात तक वार्ताएं का दौर चला, सब साथी जो लैब टेक्नीशियन है वो भी कॉलेज में जमा रहे, लेकिन वार्ता का कोई असर नहीं निकला। ऐसे में जो लैब टेक्नीशियन संघ है उन्होंने प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। जो कार्रवाई का आह्वान किया है उसका असर जो देर रात को भी और सुबह भी लैब के अंदर जो काम चल रहा है उसको प्रभावित होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी हड़ताल का कितना असर होगा, कार्य बहिष्कार का कितना असर होगा, इसका अंदाजा तो कुछ देर बाद जब लैब में रूटीन कार्यक्रम काम शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दावा किया गया वो ये प्रदेश भर में लैब टेक्नीशियन जो है वो हड़ताल पर है और अस्थायी कार्य बहिष्कार पर है, और सिर्फ इसी मांग को लेकर के कि अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो दोनों भी कार्रवाई करें, और साथ ही जो कल की घटना है उसको देखते हुए आगे इस तरह की घटना नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको भी सुनिश्चित करें। जी शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए।